अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका नीमा के जहां में। तो आज हम कुछ शॉपिंग करने जा रहे हैं घर के सामान की, जैसे कि सब्जियां और कुछ डेयरी से कुछ सामान लेना है हमें। तो चलते हैं आपके साथ शॉपिंग करते हैं। तो बढ़ते हैं पहले हम अपनी सब्जियों की तरफ, जो कि हमें थोड़ी थोड़ी सी कुछ लेनी है। चलो मिलते हैं आपको शॉपिंग के मोड़ की तरफ, पहले मोड़ की तरफ। तो अब हम आ गए हैं यहाँ पे सब्जियाँ लेने के लिए। तो यहाँ से हमने ले लिए कुछ सब्जियाँ और हमारी सब्जियाँ लेके हो गई है। तो चलते हैं आगे डेयरी पे, जहाँ से हमें कुछ और सामान लेना है। तो यहाँ से स्कूल बस ये सब जाती रहती है। यहाँ पे ऑटो स्टैंड है। मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है कि ब्लॉग में क्या बोलते हैं, बिकॉज मेरा न्यू चैनल है अभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब सपोर्ट करोगे। चलो रोड क्रॉस करते हैं और ऐसे ही चलते चलते आपके साथ बातें करते करते हमारी डेयरी की तरफ चलते हैं। हमारी मतलब उस शॉप वाले की। तो मिलते हैं आपको डेयरी पे। तो ये हम आ गए हैं मेन हाईवे पे। बहुत धूप है, आप देख सकते हो धूप है यहाँ पर। और धूप में चलना और जाना आना बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ मैं जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ से ऑटो वाले 30 रुपीज़ लेते हैं। तो उससे अच्छा है कि सुबह की वॉक भी हो जाएगी और थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा घर से बाहर निकलते ही। थोड़ी देर में हम पहुँच जाएंगे डेयरी पे। तो ये हम आ गए हैं डेयरी के यहाँ पे, जहाँ से हमें लेना है पनीर। क्योंकि आज मैंने दीदी को बोला मुझे वेज कोल्हापुरी खानी है, जिसमें कि आप पनीर डाल देना। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत कुछ सामान है। अब हम लेते हैं पनीर। भैया पनीर कैसा है? 100 ग्राम कैसा? 100 ग्राम देंगे। तो यहाँ पे सब है, दूध भी मिलता है, ये टोस्ट, बटर, पाव, चॉकलेट। तो हमारा हो गया है पनीर लेके। अब हम भैया को पैसे दे देते हैं। तो 36 रुपीज़ का 100 ग्राम। तो मैंने भैया को बोल दिया कि 40 रुपीज़ का पूरा कर दे। तो भैया आप दे रहे। थैंक यू। चलो तो फिर अब चलते हैं घर पे, क्योंकि खाने की तैयारी करनी है। और हमारी सोसाइटी में कुछ मिल्क बास्केट का कुछ स्टॉल लगाया गया है, तो हम उनसे भी मिल लेते हैं ताकि हमारे कुछ और फ्रेंड्स बन सके। तो फिर चलते हैं हमारी सोसाइटी के यहाँ पे, वहाँ पे आपको मिलवा देंगे उनसे। तो ये हम आ गए हैं अपने स्पॉट पे। जहाँ से मैंने सब्जियाँ ली थी उस अंकल ने मुझे 10 रुपये देना भूल गए, तो उनसे लेते 10 रुपये और चलते अपने सोसाइटी की तरफ। तो ये मिलता है यहाँ पे डोसा, सांभर, इडली, वड़ा।
ऐसे ही चलते चलते, ये देखो कैसे सो रहे आराम से, हमें ही सोने नहीं मिलता। सुबह जल्दी उठो, फिर भी आज सैटरडे है और मेरे जो दीदी का बेबी है उसके आज स्कूल नहीं है, उसको छुट्टी है। तो फाइनली आज मैं 10 बजे उठी, वरना मंडे टू फ्राइडे 8 बजे उठना पड़ता है। तो आज छुट्टी है इसलिए मैं 10 बजे उठ गई हूँ और 2 ही दिन मुझे सोने मिलता है। अभी थोड़ी मिनट में हमारी सोसाइटी भी आ जाएगी, तो सोसाइटी के अंदर जाके मैं आपको मिलती हूँ। तो ये हम आ गए हमारी सोसाइटी में, मिलते हैं, चलो। तो गाइस, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की पर वो बोले कि मतलब कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी इसलिए मैं वो उन्हें पॉसिबल नहीं है करने के लिए। बट ठीक है, उन्होंने बोला कि अगर पॉसिबल होता है तो मैं जाते वक्त से पूरा सेटअप लगा के आपसे बात कर लूँगा और आपको सब बता दूँगा। आप देखते बताते हैं कि नहीं, बिकॉज़ उनकी भी जॉब है, हम नहीं चाहते कि उनको कोई प्रॉब्लम हो। तो अब हम आ गए हमारे सोसाइटी में, हमारी बिल्डिंग के नीचे। तो अब हम चलते हैं ऊपर। तो यहाँ पे जो है व्लॉग ख़त्म हो रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आएगा और आप सबका मुझे सपोर्ट मिलेगा। तो चलते हैं, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।